आप सभी शायद इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डार्क वेब क्या है? अगर नहीं, तब यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी भरा होने वाला है। आज के समय में हमारी सभी एक्टिविटीज, चाहे वो ऑनलाइन कुछ चीज़ें खरीदना हो या किसी से बातचीत करना हो, सभी इंफॉर्मेशन के लिए हमें इंटरनेट के ऊपर निर्भर होना होता है। ऐसे में शायद आपको लगे कि इंटरनेट की दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं, और शायद आपने इंटरनेट के सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन आपको शायद ये जानकर शॉक लगे कि हमें इंटरनेट के बारे में केवल 4% के ही जानकारी है। गूगल, याहू या दूसरा कोई सर्च इंजन केवल 4% तक ही कवर कर पाते हैं, वहीं बाकी की 96% कि वेब के बारे में हमें सच में कुछ भी नहीं पता, एक आम इंसान के पहुंच से भी परे होता है। इस डार्क वेब में सभी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि ऑनलाइन ड्रग्स की सेलिंग, पोर्नोग्राफी, हैकिंग और सभी प्रकार के इलीगल चीज़ें जो कि हमारे नियमों के खिलाफ हैं। वहीं ऐसे डार्क वेबसाइट्स और डार्क वेब को विजिट करना भी इलीगल होता है। इसमें सभी देशों के साथ हमारा देश भी शामिल है। डार्क वेब इंटरनेट के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे कि सर्च इंजन के द्वारा इंडेक्स किया गया नहीं होता है। यूं कहे तो डार्क वेब एक हिस्सा होता है डीप वेब का। रिसर्चर्स के अनुसार इंटरनेट का केवल 4% ही जनरल पब्लिक को विजिबल होता है और इसे सरफेस वेब कहा जाता है। इसका मतलब यह भी है कि बाकी के 96% की इंटरनेट डार्क वेब से बनी हुई होती है। यह डार्क वेब में ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो कि पब्लिक को विजिबल नहीं होती हैं, क्योंकि उनके आईपी एड्रेस डिटेल्स को जानबूझकर हाइडर रखा गया होता है। वहीं ऐसी वेबसाइट्स को सही टूल्स का इस्तेमाल करके देखा जरूर जा सकता है, लेकिन इनके सर्वर डिटेल को खोज पाना मानो नामुमकिन होता है। वहीं इन्हें पूरी तरह से ट्रैक कर पाना भी उतना ही कठिन होता है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए आप बहुत से टूल्स का इस्तेमाल ले सकते हैं, जिनमें कुछ पॉपुलर टूल्स हैं टॉर और I2P। यह डार्क वेब बहुत ही पॉपुलर होता है। इनमें ब्लैक मार्केट और यूजर प्रोटेक्शन वाले लोगों के लिए भी चीज़ें शामिल होती हैं, इसलिए इनमें पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।